गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और आज के लेक्चर नंबर 43 ऑफ एग्रोनॉमी में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉटन क्रॉप। ठीक है, जैसे हमने एग्रोनॉमी के अदर लेक्चर्स में बहुत सारे क्रॉप को कवर किया है, लाइक हमने राइस को कवर किया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होंगे जिनको मैं कवर करने वाला हूँ अपने एग्रोनॉमी के लेक्चर्स में। सो आज का जो डेडिकेटेड लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 43 ऑफ एग्रोनॉमी वो कम्प्लीटली कॉटन क्रॉप के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें ये पूरा इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम कैसे सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक कॉटन करते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कॉटन में आपने लिंट सुना होगा, लिंट नाम सुना होगा, LINT, कपास का नाम सुना होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, कॉटन सीड का क्या यूज है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन ऑन यूट्यूब। साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इंस्टाग्राम हमें फॉलो करना है फॉर वीडियोस एंड चैनल अपडेट तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है फॉर योर एजुकेशन लाइक BSc और MSc तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप GFA एजुकेशन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारी चीजों का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसे मैंने बताया आपको कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कॉटन क्रॉप को। ठीक है, सो सबसे पहले कॉटन दिखता कैसा है, बेसिकली प्लांट पे अगर हम कॉटन को देख के कैसे पहचान सकते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो कॉटन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है गॉसीपियम। ठीक है, तो इसका जीनस नेम जो है दैट इज गॉसीपियम और इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो बेसिकली कॉटन, अभी हम देखेंगे कौन कौन से स्पीसीज हैं। सो सिंपल जो कॉटन है उसको हम गॉसीपियम स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, इसमें हम टाइप भी पढ़ने वाले हैं, लाइक कॉटन जो होता है देसी कॉटन भी कहलाता है, उसका जीनोम के बेसिस पे उनका नाम रखा गया, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये लेक्चर आज का लंबा होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आप मतलब वीडियो अगर आपको ज्यादा स्लो लगे तो आप इसको डबल या फिर 1.5 टाइम्स करके आप इसको देख सकते हो। सो बेसिकली दिस इज द कॉटन बॉल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉटन बॉल। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कॉटन बॉल है, ये प्लांट पे लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से कॉटन जो है प्लांट के ऊपर में लगता है। ठीक है, उनके ब्रांचेस वगैरह पे हम डिस्कस करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द कॉटन प्लांट और इसके ऊपर इसको हम कहते हैं कॉटन बॉल। ठीक है, आई होप ये जो बेसिक पार्ट है वो कवर है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है तो इसी वजह से मैं पहले ही वो सारी चीजों को लेक्चर में जो आएंगी वो उनको कवर करते हुए चलता हूँ। ठीक है, सो देखिए जो कॉटन होता है जो प्लांट पे लगा होता है उसके अंदर सीड होता है। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सीडेड कॉटन या फिर सीड कॉटन, जिसको हम सिंपली कपास कहते हैं। तो कपास में आपको दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक मिलेगा लिंट, ठीक है, और एक मिलेगा सीड। ठीक है, तो सीड तो है बेसिकली हमारे कोई काम का नहीं है, इसको तो हम यूज करेंगे दोबारा, हमें कॉटन लगाना है इस वजह से। ठीक है, तो कपास जो होता है उसमें लिंट भी होता है। लिंट मतलब आप सिंपल जिसको हम रुई कहते हैं ना, दिस इज रुई, और उसके साथ होता है सीड। तो कॉटन लिंट जो है 36% लिखा है, हम अप्रोक्स लेकर चलते हैं कि हर कपास में 30% जो पार्ट होता है वो कॉटन लिंट होता है। ठीक है, और कॉटन सीड जो है ज्यादा निकलता है। ठीक है, बाई वॉल्यूम नहीं बात कर रहे हैं, बाई मास बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉटन सीड जो है वो 62%, यानी अगर माने इसको 30% तो ये हमारा 70% के अराउंड कॉटन सीड मिलता है और कॉटन लिंट मिलता है हमें 30%। ठीक है, सो अगर हम कॉटन सीड के बारे में बात करें तो उसका हमें जनरल ज्यादा तो यूज नहीं है, लेकिन कॉटन के सीड से हम कॉटन ऑयल निकालते हैं। ठीक है, जो कि क्रूड ऑयल है। ठीक है, और दूसरा ऑयल केक बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम कभी किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस पर हमें ज्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है। जो हमारा मेन काम का है दैट इज कॉटन लीड, जो कि टोटल 30% होता है टोटल कपास का, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये रॉ कॉटन है। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, कपास। ठीक है, यही है, मैं आपको इमेज से यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें से हमने एक पार्ट निकाल दिया दैट इज कॉटन सीड और दूसरा पार्ट है इसी को हम कहते हैं लिंट। ये है हमारा रुई जिसको हम कहते हैं लिंट। तो बाई वॉल्यूम जो होता है ये तो अगर आपको ज्यादा दिखेगा बाई वॉल्यूम, लेकिन बाई मास अगर बात करें तो 30% ये और बाकी का जो 70% है वो कॉटन सीड्स होते हैं। आई होप ये वाला जो बेसिक पार्ट है कॉटन का ये क्लियर है। अब हम इसके इंट्रोडक्शन के तरफ बढ़ेंगे, मतलब कॉटन का इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, लाइक इसको किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजों को कवर करेंगे। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं, ये बैकबोन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। GDP में इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 7%। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 60 मिलियन पीपल इन इंडिया ओनली, 60 मिलियन पीपल, और 1 मिलियन के अंदर क्या होता है 10 लाख। ठीक है, तो 60 मिलियन पीपल को इंडिया में ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। 45% ऑफ द वर्ल्ड जो है मतलब 45% वर्ल्ड फाइबर नीड जो है वो कॉटन से मीट होता है। 10% अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एडिबल ऑयल जो है वो कॉटन ऑयल की तरह यूज किया, मतलब कॉटन ऑयल को हम 10% एज ए वर्ल्ड में बात करें तो एडिबल ऑयल की तरह यूज करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आप बेसिक इसका डायग्राम देख रहे हो, अगर ये फ्लावर जो स्टार्टिंग में बनता है कॉटन का, उसमें वो नॉर्मल फ्लावर की तरह ही होता है। स्टिग्मा आप देख रहे हो, स्टाइल देख रहे हो, एंथर है, फिलामेंट है, ठीक है। तो नॉर्मल आपको कोई भी चीज यहाँ पे नया नहीं दिखेगा। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके फ्लावर्स में ब्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ब्रैक्ट क्या है ये देखो आप, छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं बिलो फ्लावर्स, ठीक है। अब बेसिकली इनको क्या कहा जाता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इनमें ये ब्रैक्टियोल्स हो गए, ब्रैक्ट से छोटा पार्ट, और इसमें इनमें मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये बेसिक इनका फ्लावर हो गया। यहाँ पे इनके हमें पेटल्स दिखाए हुए हैं, सेपल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। और ये फ्लावर का जो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया एंड्रोसियम के बारे में और गाइनोशियम के बारे में हमने यहाँ बात किया हुआ है, ठीक है। सो इस पे इतना ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। ये तो रिप्रोडक्शन के पार्ट में मैं बस बेसिकली आपको बताना चाह रहा था कि नॉर्मल जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर जो जिस तरीके से होता है वही होता है कॉटन क्रॉप में भी, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, फ्लावर बनता है, फ्लावर बॉल में कन्वर्ट होता है, और ये होता है हमारा फिर बर, जो फाइनली जो मैं आपको बॉल बोला था ना उस टाइम पे, वो समझाने के लिए स्टार्टिंग में बोला था कॉटन बॉल जो हम कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो हम देखते हैं ओपन फ्लावर, या फिर कह सकते हैं ओपन बॉल, उसको हम कहते हैं बर, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन क्या है, तो इसको तो सबसे पहले कल्टिवेट किया जाता है बेसिकली फॉर लिंट, यानी हम रुई के लिए इसको कॉटन को कल्टिवेट करते हैं। रॉ कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल पर्पसेस, ठीक है। लिंटर्स आर यूज एज कुशंस, पिलोज, मतलब लिंट का हम यूज कहाँ करते हैं, कुशन बनाने, पिलोज बनाने में, ठीक है। हाई ग्रेड पेपर बनाने में यूज किया जाता है, रेयन बनाने में, फिल्म बनाने में, एक्सप्लोसिव्स बनाने में इनका यूज होता है, ठीक है। इनके स्टॉक्स को हम एज ए स्टॉक, मतलब नीचे फ्लावर का जो पार्ट होता है ना, ये नीचे वाला पार्ट, इसको हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। सीड क्रश करके एडिबल ऑयल में यूज किया जाता है, तो आप देख रहे हो ईटिंग में भी हमने 10%, यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि वर्ल्ड एडिबल ऑयल जो है 10% यूज होता है, मतलब कॉटन ऑयल एज ए 10% यूज किया जाता है एडिबल ऑयल की तरह। केक्स एंड मील्स आर एक्सीलेंट फॉर कैटल फीड, जो हमने ऑयल केक पढ़ा था ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ऑयल जो केक्स है उनका बेसिकली कहाँ यूज होता है, एज ए कैटल फीड में, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन और कॉटन का इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किया है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं इसके कि अच्छा कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे लिंट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कपास का 30% होता है, कॉटन इज कल्टिवेटेड इन 9 states इन इंडिया। अगर हम इंडिया बात करते हैं तो बेसिकली 9 states में कल्टिवेट किया जाता है। तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं जहाँ पे कॉटन लगाया जाता है। तो इनमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो अगर हम एरिया वाइज भी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया जो कल्टीवेट किया जाता है, ये मैं पुराना डेटा आपको दे रहा हूँ, बहुत पुराना डेटा है, तो ये अभी मतलब आपको बता दूं कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा एरिया यूज करता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन अदर कंट्री से अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। लिंट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो लिंट कल्टीवेशन है वो यूएसए कर पाता है, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्टिविटी वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो है चाइना में। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ, केजी ऑफ लिंट पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज मैंने आपको बताई, इंडिया, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कंट्रीज है लाइक ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं कि अदर कंट्रीज नहीं करती, नहीं, जो चीफ प्रोड्यूसर्स है, मैंने उनका नाम आपके सामने लिया हुआ है, ठीक है। अगर इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में जो पार्टिकुलर स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, मोस्टली सारे स्टेट्स में होता है, लेकिन मैंने जो अभी आपके सामने नाम लिया है ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। और इनमें से भी अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो एरिया सबसे ज्यादा कॉटन का है, दैट इज इन द महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्शन अगर बात करें, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो प्रोडक्शन वाइज भी लगभग लगभग आप देखोगे तो आपको वही गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र यही है, ठीक है। मतलब अगर हम देखें सबसे ज्यादा अगर लैंड एरिया महाराष्ट्र का है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिलियन टर्न्स में जो हमारा प्रोडक्शन है दैट इज ऑफ महाराष्ट्र ही है, मतलब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है, देन गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन से स्टेट से मिलता है, तो हम जो देख पा रहे हैं वो है सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, लाइक वहाँ पे अच्छी वेराइटीज, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के, तो एक फैक्टर पे हम बात नहीं कर सकते। तो आप याद रखना कि थोड़ा सा जो मध्य प्रदेश स्टेट है दैट इज वहां पे आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है कॉटन का। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ, केजी ऑफ लिंट पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स हो गए, तो इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है उनके रीजन्स के बेसिस पे। जैसे नदर्न रीजन मतलब उनका एरिया हो गया नदर्न एरिया, सेंट्रल एरिया, सदर्न एरिया, तो स्टेट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखो तो हिरुसितम लिखा है, ठीक है, अर्बोरियम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो हर्बेशियम लिखा हुआ है, हिरुसितम लिखा हुआ है। तो ये हिरुसितम, अर्बोरियम, हर्बेशियम और हिरुसितम क्या है, यही है इनकी डिफरेंट स्पीसीज। यानी गॉसिपियम तो हमने बोला था,
उसके साथ इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, लाइक हिरोसिटम, अर्बोरियम, हर्बेसियम और हिरोसिटम। इनके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम इसके थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। और ये देखिए, यही एक कपास, जो रुई कपास कह रहा हूँ, जो आपको लिंट जो निकलता है ना, दैट इज यही आपको लिंट इस तरीके से निकलता है। सीड्स को जब सेपरेट कर देते हैं तो इस तरीके से आपको लिंट मिलता है। अब देखिए, ऑरिजिन के बारे में बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, ठीक है, जिनको हम ओल्ड वर्ल्ड कॉटन को ए जीनोम के नाम से भी जानते हैं, तो इसको माना जाता है कि ये सदर्न इथोपिया में, मतलब यहां पे ऑरिजिन हुआ है इसका, ठीक है। तो याद रखना है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन को ए जीनोम के नाम से जाना जाता है, और जो न्यू है मतलब आज के, उनको हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड कॉटन को डी जीनोम, ठीक है। तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में कौन कौन से आते हैं? गॉसिपियम अर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बेसियम, आर्डकॉट देसी कॉटन। ये पुराने वाले हैं तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? देसी कॉटन कहते हैं, मतलब ए जीनोम वाले को हम कहते हैं देसी कॉटन। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? गॉसिपियम अर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा, अर्बोरियम और हर्बेसियम ये एक जैसा है, तो आप इसको याद कर सकते हो। न्यू वर्ल्ड कॉटन, जैसे जिनको हम क्या कहते हैं, डी जीनोम वाले कॉटन कहते हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं? बारबाडेंस, और भी स्पीसीज है ना, तो गॉसिपियम बारबाडेंस हो गए, और उसके बाद है हमारे पास गॉसिपियम हिरुसिटम, ठीक है। तो ये इजिप्टियन है और ये जो है हमारा अमेरिकन है, इनको हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड कॉटन। तो ये आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अमेरिकन लिखा है, इजिप्टियन लिखा है, सदर्न इथोपिया लिखा है। तो आप ऑरिजिन वाइज ध्यान रखना कि ओल्ड वर्ल्ड कॉटन जो है सदर्न इथोपिया, और न्यू वर्ल्ड जो है इजिप्टियन, और इन इजिप्टियन और अमेरिका, ठीक है। जीनोम वाइज ए जीनोम और डी जीनोम कहते हैं, ठीक है। ए पहले आता है तो ओल्ड वर्ल्ड हो गया, डी बाद में आता है अल्फाबेट में, तो हम इसको बाद में भी याद कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ऑरिजिन जो है इसका कंप्लीट किया है। तो अगर हम बात करें इनके हाइब्रिड्स के बारे में, एक के लिए तो देसी कॉटन हो गया और न्यू वर्ल्ड कॉटन हो गया, सो अगर इनके हाइब्रिड्स के बारे में अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें, सो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि बहुत सारे काम किए गए थे 1900 के टाइम पे इनके डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे हाइब्रिड्स अवेलेबल हैं, सो हम बहुत सारे हाइब्रिड्स तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हिरोसिटम जो वेराइटी है वो बहुत ही फेमस है। तो उसके अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ हाइब्रिड्स बनाए गए थे, ठीक है। जैसे उनके सीरीज में अगर हम बात करें तो MCU, ठीक है, MCU 5, 7, 9, 10, 11, तो ये जो है ना, ये है हिरोसिटम वेराइटी के, हिरोसिटम जो स्पीसीज है उनकी बहुत सारी वेराइटीज हो गई, ठीक है। अदर वेराइटीज मतलब उनकी ही बनाई गई थी, LRA हमने लिख दिया, फिर उसके बाद 5, 1, 6, 6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखो कि ये MCU से हो सकता है ऐसे पूछते, तो क्योंकि आप एक एक नंबर नहीं याद कर सकते, क्योंकि ये तो कोड वर्ड में लिखे हुए हैं ना। तो मतलब ये है कि आपको ये चीज में ध्यान रखना है कि हिरोसिटम जो है बहुत फेमस वेराइटी है, तो इनका हमने जो स्पीसीज है वो बहुत फेमस है, तो इसके हमने बहुत सारे वेराइटीज बनाए थे ड्यूरिंग 1900, ठीक है। उस तरीके से अर्बोरियम के ही बनाए गए, बारबाडेंस के ही बनाए गए, ठीक है। तो अगर आप, अगर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखोगे, तो बारबाडेंस में एक एक वेराइटी है जो कि हिंदी नेम पे है, दैट इज अंजलि, ठीक है। तो अंजलि किसका किसका नाम है? दैट इज बारबाडेंस, यानी गॉसिपियम बारबाडेंस में, ठीक है। एक और है अंजलि के साथ साथ, इसी में अगर बारबाडेंस में बात करें तो सुरभि, ठीक है। तो ये दो वेराइटीज है, अंजलि और सुरभि, जो कि आती है हमारी बारबाडेंस के अंदर में। हाइब्रिड में अगर हम बात करें, कॉटन हाइब्रिड कौन कौन सी है, तो जयलक्ष्मी, जयलक्ष्मी जो है, अगर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, जयलक्ष्मी जो है, सॉरी मैंने लिख दिया, JAYALAKSHMI, जयलक्ष्मी किसका हाइब्रिड वेराइटी है, तो आप क्या आंसर करोगे? कॉटन के, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके प्लांट के बारे में, ठीक है, यानी इनका रूट कैसा है। तो जो कॉटन प्लांट है उसका रूट जो सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम, ठीक है, ये 1.6 मीटर हाइट तक ग्रो कर सकता है, ठीक है। इनके सूट और ब्रांचेस के बारे में बात करें, तो इनका जो सूट और ब्रांच होता है वो मोनोपोडियम होता है या फिर सिंपोडियम होता है। मोनोपोडियम कहने का मतलब है जो यहां से जमीन से जो मेन ब्रांच निकला वो टिप पे पहुंच जाता है, ठीक है, और जो इसके अदर ब्रांचेस यहां से अलग अलग निकले, मतलब वो मतलब ये अलग हो, लेकिन हमारा जो मेन ब्रांच है, जो मेन निकला है, वो टॉप पे पहुंच जाता है, टिप तक पहुंच जाता है, दिस इज कॉल्ड मोनोपोडियम, ठीक है। तो इनका प्लांट जो होता है मोनोपोडियम भी होता है, ठीक है, और सिंपोडियम भी होता है। सिंपोडियम कहने का मतलब यहाँ से निकला, यहाँ तक इनका ग्रोथ खत्म हो गया, यहाँ से दूसरा ब्रांच स्टार्ट हो गया, यहाँ से तीसरा स्टार्ट हो गया, फिर आगे गए तो यहाँ से चौथा, मतलब ये लाइन जो है ना, इससे डिस्कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये जो मेन निकला है वो टिप तक नहीं पहुंच पाता है, अगर टिप तक पहुंच गया ग्रोथ तो उसको कहेंगे मोनोपोडियम, और अगर नहीं पहुंचता है देन इट इज कॉल्ड सिंपोडियम। तो इनका जो प्लांट का जो सूट और ब्रांचेस होता है वो मोनोपोडियम टाइप भी हो सकता है, सिंपोडियम टाइप भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर हम के लीफ के बारे में बात करते हैं, तो स्पाइरली अरेंज होते हैं ऑन दी मेन स्टेम। स्पाइरली अरेंज कहने का मतलब क्या है? अगर आप उसको ऊपर से देखोगे, अगर यहाँ पे स्टेम है,
अगर ऊपर से आप इसको देखते हो तो ये लगेगा कि एक स्पायरली अरेंज लीव्स है इनके ऊपर में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इमेज दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से इस प्लांट को, मतलब आप यहां से, अगर आपका आंख अगर यहां पे अगर ऐसे हो, अगर आप ऊपर से देखते हैं इस चीज को, तो आपको लगेगा कि जो लीव्स, ये जो ब्रांचेस है ना, ये फिर हम कह सकते हैं जो इनके लीफ जो है वो स्पायरली अरेंज्ड है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से ऊपर से ऐसा लगेगा कि लीफ का अरेंजमेंट कुछ मेन एक्सिस ये जो है ना, कुछ यहाँ पे लीव्स होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, ऐसे आपको दिखेगा। तो ये स्पायरली दिखते हैं, स्पायरली अरेंज दिखते हैं। तो इनके फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट, वेट अ सेकेंड, वहां पे वापस स्लाइड पे हम चलते हैं। यस, सो अगर इनके फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो बिगिन एज फ्लावर बड, सबसे पहले फ्लावर बनता है, फ्लावर से स्क्वायर बनता है, ठीक है। हम जस्ट पढ़ेंगे व्हाट इज स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। और फिर स्क्वायर फॉर्म जो है आप यहाँ पे देख ही लो, साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्लांट का सीड हम लगाते हैं, यानी कॉटन सीड लगाते हैं, वो 1 वीक बाद सीडलिंग उसका निकल जाता है, ठीक है। उस सीडलिंग में फिर आता है हमारे पास ट्रूलिप्स, जिसको हम बहुत सारे क्रॉप में फ्लैग लिप भी कहते हैं। तो 2 से 4 वीक में हमारा उनका ट्रूलिप्स आ जाता है। वो जो लीफ है, ठीक है, जब लीफ मतलब लीव्स वगैरह आ गए, तो 5 से 7 वीक में उनमें फॉर्मेशन हो जाता है। इसका क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर, पता है ये बर्ड ही है, बर्ड नहीं बोलूंगा, आप इसको समझो कि 5 से 7 वीक में इनके पास डेवलपमेंट हो जाता है। हाँ, फ्लावर बर्ड कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है बॉल वगैरह, फ्रूटिंग बॉडी नहीं बन रहा है अभी, ये फ्लावर बर्ड है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर बर्ड, ठीक है। इसका जो शेप बेसिकली होता होगा, मे बी इसको स्क्वायर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर फॉर्म जो है वो ब्लॉसम करता है, यानी खिल जाता है 8 से 10 सप्ताह में, ठीक है। और जब वो ओपन होता है फ्लावर, ठीक है, मतलब खिलता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है बॉल में, ठीक है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। वो फिर बॉल क्या होता है, ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद यही हमारा, आपको यहां पे मैंने बताया था, आप थोड़ा सा याद करो, देखो बर बनता है ना, तो फाइनल स्टेज है वो कहलाता है हमारा बर। तो ये कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं कॉटन में, ठीक है। तो इनका फ्रूटिंग स्ट्रक्चर क्या है, बिगिंस एज फ्लावर बर्ड और स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर फ्लावरिंग इट बिकम्स अ फ्रूट कॉल्ड बॉल, दिस इज कॉल्ड बॉल, ठीक है। और फिर बॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है BUR, जो फाइनल स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, बर कहते हैं, ठीक है। आई होप जो इतना हमने जो डिस्कस किया है इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में वो आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं इनके ग्रोथ स्टेजेस, यानी ग्रोइंग स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो बेसिकली इनमें 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है जर्मिनेशन स्टेज, जो कि 4 से 7 दिन का होता है, ठीक है। दूसरा होता है अर्ली वेजिटेटिव फेज, ठीक है। थर्ड होता है स्क्वायरिंग फेज, ठीक है। स्क्वायरिंग में क्या है, इट मे बी फ्रॉम, अच्छा स्क्वायरिंग कब से कब तक चलता है, 35 to 70 days ऑफ सोइंग, डिपेंडिंग अपॉन दी वेराइटी। लेकिन ये वेराइटी पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। लोकेशन पे डिपेंड करेगा और हमने कैसे मैनेजमेंट किया है। तो स्क्वायरिंग जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, वेराइटी पे, लोकेशन पे, किस जगह पे हमने लगाया है, और उसके मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो 3 स्टेज हो गया, जर्मिनेशन, अर्ली वेजिटेटिव फेज, देन स्क्वायरिंग। नेक्स्ट जो है, जो यानी 4th स्टेज, दैट इज फ्लावरिंग, ठीक है। स्क्वायरिंग के बाद आता है फ्लावरिंग, वो कब तक रहता है, यानी 22-35 days आफ्टर द फर्स्ट स्क्वायर फॉर्मेशन। जब पहला प्लांट में स्क्वायर बना था, यानी ये स्टेज बना था, उससे 20-35 days के बाद जो हमारा होता हो जाता है फ्लावरिंग, यानी इस स्टेज से इस स्टेज पे जाने में अप्रोक्स कितना लग जाता है, 22-35 days, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके लास्ट स्टेज पे, ठीक है, लास्ट स्टेज क्या है हमारा, बॉल डेवलपमेंट, यानी फ्लावर से बॉल डेवलपमेंट होना है, ठीक है। तो विद इन 15 to 18 days बॉल अटेन्स 19% साइज, ठीक है। मतलब बॉल बॉल क्या था हमारा, फ्लावर से बॉल में कन्वर्ट होना, तो 15 से 18 दिन में बॉल जो होता है वो 90% साइज को कवर कर लेता है। मैच्योर साइज अटेन विद इन 25 days, 25 दिन के अंदर में उसका जो बॉल है वो अपने मैक्सिमम जो साइज है वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। कॉटन फाइबर अगर हम बात करें, डेवलप्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द सीड कोट, सीड कोट का जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं उनसे ही कॉटन फाइबर का डेवलपमेंट होता है। फाइबर इलोंगेशन इज कंप्लीट बाय द एंड ऑफ 21 to 24 days, इस 25 दिन में, 21 से 24 दिन जो होता है ये रेंज जो है, इसमें फाइबर इलोंगेशन होता है, फाइबर बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। सेकेंडरी वॉल थिकनिंग स्ट्रेंथेंस द फाइबर्स एंड कंटिन्यूज अप टू 30 to 40 days आफ्टर एंथेसिस। कहने का मतलब है, प्लांट से झड़ने के पहले, सॉरी बाद, ठीक है, 30 से 40 दिन में जो फाइबर है वो स्ट्रेंथ, यानी उनका थिकनिंग हो जाता है, सेकेंडरी वॉल जो है वो थिक हो जाते हैं और फाइबर को स्ट्रेंथ देते हैं। तो
तो ये इसका हमने कुछ बात किया है, यानी ग्रोइंग स्टेजेस के बारे में। तो आपको बस याद रखना है ग्रोइंग स्टेजेस कौन कौन से मैंने डिस्कस किया आपके साथ में, पांच, जर्मिनेशन, अर्ली वेजिटेटिव फेज, स्क्वायरिंग फेज, फ्लॉरिंग फेज एंड द लास्ट वन वॉज दी बॉल डेवलपमेंट फेज। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके आते हैं क्लाइमेट पे। ठीक है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। ये मीन एवरेज टेम्परेचर अगर हम बात करें तो लेस देन 15 डिग्री, ठीक है, क्रॉप ग्रोथ के लिए बेटर माना जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर फ्रूटिंग ए डे टेम्परेचर, फॉर फ्रूटिंग मतलब बर्ड लगने के लिए, 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम माना जाता है। ठीक है, ओके। फ्रॉस्टलेस पीरियड मतलब फ्रॉस्ट यानी कोहरा नहीं होना चाहिए, कुहा नहीं होना चाहिए, यानी ठंडापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीरियड ऑफ 180 से 200 दिन। ठीक है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सीजनल रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल होना चाहिए, ओपन सनी वेदर। ये मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहां पे जो कॉटन है वो बेटर तरीके से ग्रो होगा, यानी उनका जो लिंट है वो अच्छा होगा, जो फाइबर वगैरह का स्ट्रेंथ है, फाइबर का जो लेंथ है वो बहुत अच्छा मिलेगा अगर ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है तो। अब हम बात करते हैं इनके सॉइल पे, यानी सॉइल सॉइल का क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सॉइल अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम सॉइल डेप्थ के सबसे बारे में बात करते हैं तो वो 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सॉइल सैंडी हो, सैंडी लोम हो, ठीक है, ब्लैक सॉइल हो, तो हम जानते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है कई बार। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल ही मतलब ब्लैक सॉइल आर द बेस्ट फॉर कॉटन सॉइल। ठीक है, तो व्हेन द रेनफॉल इज हेवी, एक कोर्स टेक्सचर सॉइल चाहिए। अगर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो कोर्स टेक्सचर सॉइल चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर, व्हेन मॉइस्चर इज द प्रॉब्लम देन क्ले सॉइल, अगर मॉइस्चर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहां पे हमें क्ले सॉइल जो है वो प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, ये सॉइल का कुछ रिक्वायरमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सीजन के बारे में। ठीक है, तो इसके सीजन में आप देखिए, बेसिकली सीजन अगर हम बात करते हैं तो जोन वाइज ही है, लाइक नॉर्थ जोन हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ जोन में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। उसी तरीके से सेंट्रल जोन में थर्ड वीक ऑफ जून तक करते हैं। सदर्न जोन में जून, सदर्न में अगर हम बात करें स्टेट वाइज भी, तो कर्नाटका में जून में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश में जून जुलाई में करते हैं, तमिलनाडु में अगस्त में करते हैं। तो जोन वाइज अगर हम बात करें तो नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और सदर्न जोन में ये 3 सीजन्स हैं इनके। ठीक है, मई, जून एंड आप देख रहे हो अगस्त तक भी ये पहुंच रहा है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई में, यानी नॉर्थ जोन। ठीक है, सेंट्रल जोन में अगर हम बात करें थर्ड वीक ऑफ जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक भी जा सकते हैं। और सदर्न जोन में तो स्टेट वाइज भी हमने बात करी, तो जैसे तमिलनाडु में अगस्त तक चलता है इनका सोइंग। तो ये हमने डिस्कस किया इनके कुछ सीजन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके फील्ड प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, फील्ड मतलब प्रिपेयर कैसे करना है बिफोर सोइंग। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फाइन टिल्थ इज नॉट अ प्री रिक्विजाइट, मतलब फाइन टिल्थ होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब फाइन टिल्थ मतलब बहुत फाइन मिट्टी को बनाने की जरूरत नहीं है, यानी बहुत ज्यादा आपको प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और मतलब आपको बहुत ज्यादा टिलेज करने की नीड नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ FIM और कंपोस्ट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ब्लैक सॉइल देख रहे हो तो वहाँ पे तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन आपको ऊपर से भी डालना पड़ेगा FIM और कंपोस्ट। बेसिकली आप हर क्रॉप के टाइम पहले पे तो आप बेसल डोज करते ही करते हो। ठीक है, कुछ आप नाइट्रोजन भी डाल सकते हो, तो FIM कंपोस्ट जो है हमें ये डालना है। चीजलिंग में भी टू ब्रेक दी हार्ड पैन, जो हार्ड पैन बने हुए हैं उनको चीजल प्रो से हम क्या कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं। फॉर्मिंग रिजेस एंड फरोज इज आइडियल, अगर हम रिजेस एंड फरोज बना रहे हैं फॉर दी क्रॉप, कॉटन क्रॉप, तो वो आइडियल है, मतलब अच्छा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किया है स्पेसिंग और सीड रेट के बारे में। तो यहाँ पे वेराइटीज वाइज है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ये अब इस टेबल को मत देखो, टेबल मतलब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे अब बहुत सारी वेराइटीज के लिए जो स्पेसिंग है वो अलग है। ठीक है, और इसको हम उस तरीके से याद नहीं कर सकते कि मतलब हमें स्पेसिंग कितनी रखनी है सीड, वो डिपेंड करेगा हमारा वैरायटी पे, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप जयलक्ष्मी मैंने आपको बताया है, तो आप जयलक्ष्मी के लिए याद रखना अगर चाहो, क्योंकि इट इज अ हाइब्रिड वैरायटी, तो जयलक्ष्मी के लिए आपको जो स्पेसिस दिया गया है वो है 120 × 60। ठीक है, दिस इज द सेंटीमीटर, ये हमारा स्पेसिंग होना चाहिए प्लांट टू प्लांट का। ठीक है, ओके, तो ये हमने बात किया सीड स्पेसिंग और सीड रेट के बारे में। अच्छा, सीड रेट आपको इसका नहीं बताया, सीड रेट जो हम मानते हैं अप्रोक्स अप्रोक्स 3.75 kg, दिस इज दी सीड रेट पर हेक्टेयर। ठीक है, सो अगर हम बात करें इनका, अगर सोइंग हम किस तरीके से करेंगे, मतलब कौन से मेथड से हमें सोइंग करना चाहिए, तो आपने डिबलिंग सुना होगा। डिबलिंग मतलब मिट्टी को हमने टिल्थ बना लिया उसका। ठीक है, फाइन टिल्थ नहीं बनाया, टिल्थ बना लिया, लेकिन उसमें क्या करते हैं, हम एक स्टिक लेते हैं या फिर किसी चीज से हम गड्ढा करते जाते हैं
दिस इज कॉल्ड डिबलिंग मेथड, और उसमें हम एक एक सीड्स को डालते जाते हैं। एटलीस्ट हमें डिबलिंग से जो गड्ढा बनाना है, लेट सपोज ये सॉइल सरफेस है, हमने डंडे से ऐसा ऐसा गड्ढा बना दिया इसमें, और ये इसका जो हाइट है ये होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। आप तो एकदम बराबर तो नहीं बनाओगे, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए। ज्यादा करोगे तो फिर जर्मिनेशन प्रॉब्लम होगा, ऊपर होगा तो मे बी क्रॉप जो है वो खराब हो जाए, किसी इंसेक्ट ने खराब कर दिया या फिर किसी पेस्ट ने खराब कर दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीड्स अगर बात करते हैं, आपको एक यानी एक आपने जो डिबल बनाया है, यानी एक जो गड्ढा बनाया है उसमें कितना डालोगे? अगर हाइब्रिड सीड है तो आप 2 सीड्स को डाल दो, ठीक है, या फिर अदर वेराइटीज आप 3 सीड्स भी डाल सकते हो। ठीक है, सो ये हमने कुछ बात कर ली इनके सोइंग मेथड्स के बारे में, और हमें कौन से क्या कहते हैं, हमने मतलब एक तो हमने सोइंग मेथड्स बात करा और दूसरा हमने बात करा स्पेसिंग और सीड रेट के बारे में। अब हम इनके बात करते हैं फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट के बारे में। तो फर्टिलाइजर देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल से समझा दिया है, ये भी डिपेंड करता है हाइब्रिड वेराइटीज है या फिर कौन सी वेराइटी है उस पे, लेकिन आप एक रेशियो अगर देखोगे तो 80 है 40 है 40 है, ठीक है, तो 2:1:1 का रेशियो है। यहाँ अगर आप देखो तो 60 है 30 है 30 है, ठीक है, तो 2:1:1, यहाँ पे देखोगे तो 2:1:1। तो इम्पोर्टेंट बात, ये जो रेशियो है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, ये लेकिन वेराइटी पे डिपेंड करेगा कि पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, आई होप ये वाला बात जो आपको मैंने समझाया वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमने एक बात कर ली कि ये अब आप हर जमीन यानी हर सॉइल का तो रिक्वायरमेंट एक जैसा नहीं होगा, वैरायटी पे डिपेंड करेगा, सॉइल में कितना न्यूट्रिशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप सॉइल टेस्ट कराओ और उस हिसाब से एनपीके का यूज करो वहां पे। लेकिन अगर आपको नहीं है, नहीं आपने सॉइल टेस्ट नहीं कराया, तो आप इस रेशियो को फॉलो कर सकते हैं 2:1:1 का। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है, क्या नाइट्रोजन सारे एक साथ डाल देना है या फास्फोरस और ये सारी चीजें, तो आप देखो बेसल डोज में हाफ ऑफ दी नाइट्रोजन डाल दो, ठीक है, और फास्फोरस और पोटेशियम को बेसल में डोज में ही डाल दो, तो पूरा पूरा आप उस टाइम पे डाल सकते हो। ठीक है, और बाकी बचा हुआ जो आधा नाइट्रोजन है 50% हमने डाल दिया बेसल डोज पे, और 50% जो है आप डे आफ्टर सोइंग मतलब आप डाल सकते हो, मतलब कब, 40 से 50 दिन बाद, मतलब आपने सोइंग कर दी है तो 40 से 50 दिन बाद आप ये जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसको डाल सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये भी डिपेंड करेगी वेराइटीज पे, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कोई चीज में याद करने नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है रेशियो है वही याद कर लेना। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें कि अगर हमें नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को मतलब जो नाइट्रोजन हम डाल रहे हैं उसको थोड़ा कम और करना है, तो आप एजो स्पिरिलम जो है बायो फर्टिलाइजर जो है आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका 25% जो नाइट्रोजन है वो कम लगेगा, ये देखा गया है। ठीक है, आई होप जो जो हमारा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है एनपीके, आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वीड मैनेजमेंट पे। तो वीड मैनेजमेंट हम वीड्स के लिए हर्बिसाइड्स यूज करेंगे, यानी केमिकल मेथड यूज करेंगे, ठीक है, और हैंड वीडिंग भी कर सकते हैं। तो हैंड वीडिंग आपको कब करना है, 30 से 45 दिन डेज ऑफ सोइंग, यानी डेज आफ्टर सोइंग, सोइंग के 30 से 45 दिन बाद आपको करना है। ठीक है, हर्बिसाइड एप्लीकेशन हमें करना है तो प्री इमर्जेंस एप्लीकेशन यूज करना है, मतलब इमरजेंस होने के पहले, मतलब वीड्स आने के पहले आपको ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे फ्लुकोरेलिन 1 kg/हेक्टेयर, पेंडीमेथलीन 1 kg/हेक्टेयर, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हर्बिसाइड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। हैंड वीडिंग आपको मैंने बता दिया, ये दो तरीका है, हर्बिसाइड एप्लीकेशन करो और इसमें से भी प्री इमरजेंस एप्लीकेशन करना है, दूसरा हैंड वीडिंग कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इरीगेशन। तो कॉटन में अगर हम बात करें तो कॉटन में इरीगेशन नीड है, मतलब ठीक है, अर्ली इरीगेशन हमें कब करना चाहिए, तो अर्ली इरीगेशन इज इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉपर प्लांट ग्रोथ, ये तो बहुत से बेसिक सा पार्ट हो गया। ठीक है, एंड माइल्ड स्ट्रेस बिफोर फ्लॉरिंग इज एडवांटेजियस, मतलब आपको थोड़ा सा प्लांट को स्ट्रेस दे दो बिफोर फ्लॉरिंग, तो ये आपके लिए एडवांटेज देगा। ठीक है, सो कॉटन को अगर हम इरिगेशन अगर बात करें तो 75% डिप्लीशन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इन क्ले। ठीक है, अगर आपके क्ले में सॉइल मॉइस्चर जो है कम हो रहा है, ठीक है, 75% कम हो गया, तो उस टाइम पे आप डालोगे। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अर्ली इरिगेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि फ्लॉरिंग हो जाने के बाद, फ्लॉरिंग के पहले आप थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हो, लेकिन फ्लॉरिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पे पानी रोकने की जरूरत नहीं है, मतलब वहां पे फिर आपका फ्लावर खराब हो जाएगा। तो आफ्टर फ्लावरिंग अगर बात करें तो वेरी क्रूशियल, आपको पानी डालना पड़ेगा वहां पे। अगर पानी कम हो जाता है तो फ्रूट जो है वो झड़ने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। ठीक है, और आपने अगर पानी ज्यादा डाल दिया तो वेजिटेटिव ग्रोथ ही उसमें ज्यादा हो जाएगा।
समझ रहे हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं, मतलब लीव्स ज्यादा निकल जाएंगे, आपके फ्लावर्स कम हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपका मतलब कहने का मतलब है, जो फ्लावरिंग हो गया है उसके बाद आपको पानी कम नहीं करना है, मतलब आपको ऑप्टिमम पानी देना पड़ेगा, ना कम ना ज्यादा। किस मेथड से आप पानी दे सकते हो, आप फ्लडिंग कर दो, यानी पूरे फील्ड को ही हमने पूरा फ्लड कर दिया। सर्ज मेथड भी यूज कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हो गए जिस मेथड से हम इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं कि कल्टीवेशन करना है हमें, मतलब हमने सॉरी कल्टीवेशन हो गया है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमने लगा दिया, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने जितने जगह पे क्रॉप लगाया है उतना जगह पे आपका लग जाएगा क्रॉप, कुछ जगह पे ऐसा खाली भी होगा, तो उस जगह पे उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, गैप फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो गैप फिलिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको 10th डे कर देना पड़ेगा। ठीक है, आपने जिस दिन सो किया था उसके 10 दिन बाद अगर आपको कोई गैप दिखता है जहां पे नहीं लगाया फ्लावर प्लांट, वहां पे आपको गैप फिलिंग कर देनी है। ठीक है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं। अर्थिंग अप कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आपका हमने क्रॉप लगाया है, कॉटन क्रॉप है। ठीक है, तो मिट्टी जो आसपास की है ना उसको यहां तक चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, प्रॉपर एरेशन देता है, तो एक अर्थिंग अप हो गया। हम ये करते हैं बेसिकली अर्थिंग अप, एक और रीजन है एरेशन तो ठीक है, टर्माइट का इन्फेक्शन, यानी टर्माइट जो है उनको भी प्रिवेंट करता है, टर्माइट जो है वो प्लांट को डैमेज ना करे, इसलिए हम अर्थिंग अप भी कर देते हैं। ठीक है, तो एक अर्थिंग अप करते हैं, दूसरा निपिंग करते हैं। निपिंग एक प्रोसेस है, देखिए निपिंग ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बहुत कई बार पूछे जाते हैं। निपिंग क्या है, लेट सपोज ये प्लांट है, ठीक है, ये ग्रो किए जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बीच बीच में ब्रांचेस निकले होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ब्रांचेस बहुत ज्यादा निकल गए, मतलब 15 ब्रांचेस हो गए, 15 ब्रांचेस अप्रॉक्स आपके निकल गए यहाँ से, तब आपको ऊपर से इसको काट देना है, क्योंकि अगर ये और बढ़ेगा तो और ब्रांचेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मतलब ऊपर जाए ब्रांचेस क्या होते हैं, कम होते जाते हैं ना। तो आप सोचो कि पूरा जो न्यूट्रिशन है वो फालतू में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्यों ना ऊपर वाला पार्ट हम हटा दें। तो निपिंग में क्या किया जाता है, तो ऊपर टर्मिनल पार्ट है उसको हटा देते हैं, ताकि जो साइड का ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जा सके। और साइड पे ही हमने कॉटन क्रॉप देखा है, तो जिनके जो फ्लावर्स लगते हैं वो यहीं पे लगते हैं, बॉल्स वगैरह जो है इन्हीं के ऊपर लगते हैं, तो साइड ग्रोथ को प्रमोशन का प्रमोशन करने के लिए हम निपिंग करते हैं, यानी टिप को काट देते हैं। और ये कब काटना होता है, अगर 15 नोड्स, नोड्स मतलब ब्रांचेज जहां जहां से निकले एक एक, अगर ये 15 नोड से ज्यादा हो रहे हैं तो हम निपिंग करते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके हार्वेस्टिंग पे, तो व्हाट इज द मेन प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी हम कुछ बात करेंगे हार्वेस्टिंग में, तो हैंड पिकिंग एक तो यूजुअल प्रैक्टिस है, मतलब हैंड पिकिंग से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो हाथ से तोड़ तोड़ के। ठीक है, नहीं तो स्ट्रिपर्स यूज किया जाता है। स्ट्रिपर्स क्या है, ये मशीन है, आप ये जो मशीन देख रहे हो ना, दिस इज द स्ट्रिपर मशीन। स्ट्रिप वाइज देख रहे हो, यहां पे देखो स्ट्रिप, एक रो दूसरा रो। ठीक है, तीसरा रो, ये स्ट्रिप्स में मतलब क्या कर रहा है, काट रहा है, मतलब हम कह सकते हैं हार्वेस्ट कर रहा है, तो स्ट्रिपर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिपर्स में एग्जांपल दिया लाइक स्पिंडल या फिर ब्रश टाइप, तो इतना मैं डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, डेवलप कंट्रीज में बता रहा है कि हम स्ट्रिपर्स का यूज करते हैं। तो आप डेवलप कंट्रीज लाइक आप ये देख ही रहे हो कि कॉटन का हार्वेस्टिंग इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, और मशीनरीज भी यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे मशीन्स भी लाइक एक टाइम हार्वेस्ट करने के लिए हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपने एक तो ठीक है आप मशीन मतलब नॉर्मल हैंड पिकिंग कर रहे हो, छोटे छोटे मशीन से कर सकते हो, स्ट्रिपर से कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे कंडीशन कैसा होना चाहिए, तो मैच्योरिटी पे जो आपका रेनफॉल है वो मतलब बहुत ज्यादा अगर होगा तो कॉटन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एट मैच्योरिटी रेनफॉल हल्का फुल्का होगा तो चलेगा, मतलब मैच्योर हो रहा है, मैंने नहीं बोला हार्वेस्ट, लेकिन क्रॉप जब मैच्योर हो रहा है तो उस टाइम पे रेनफॉल जो है वो अच्छा रोल अदा करता है, लेकिन अगर ज्यादा वाटर हो गया, रेनफॉल हो गया, तो वो क्रॉप खराब भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें सीड कॉटन कब कलेक्ट किया जाता है, जब बॉल्स ओपन हो जाते हैं, मतलब जो हमारा बर बन रहा है ना, बर स्टेज पे हम सीड कॉटन को कलेक्ट करते हैं। अगर हम हार्वेस्टिंग बात करें, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग शुड बी ड्राइड इन क्लीन थ्रेसिंग फ्लोर। ठीक है, जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, कहाँ पे, क्लीन थ्रेसिंग फ्लोर पे, शुड नॉट बी मिक्स विद दी अदर वेराइटीज, अदर वेराइटीज से हमें मिक्स नहीं करना है। हैंड पिकिंग एंड क्लीविंग द बेस्ट इन्फेक्टेड कपास विल एनहेंस द क्वालिटी। ठीक है, मतलब आपको कुछ दिख रहा है कि आपने 100 बर निकाले, उसमें से आपको 5-6 दिख रहे हैं कि जिनमें पेस्ट इन्फेक्शन है, तो आप उसको वहीं पे सेपरेट कर दो। तो ये कुछ हार्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताकि वो अदर जो बॉल्स आपके हैं, कॉटन बॉल्स यानी बर्ड्स जो हैं, उनको इन्फेक्ट ना करें।
ठीक है, तो आपने सब चीजें कर ली, हार्वेस्टिंग कर ली, आपने जो भी हमने डिस्कस किया प्रोसेसेस वो फॉलो कर लिया, तो क्या क्वालिटी आप देखोगे उसके अंदर में, ठीक है, कि आपको लगे कॉटन ये जो है हमारा बेस्ट निकला है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है लाइक गिनिंग परसेंटेज। गिनिंग क्या होता है, हम जो फाइनली फार्म से किसी फर्म में ले जा रहे हैं, फ्रॉम मतलब किसी कंपनी में ले जा रहे हैं, ठीक है, फार्म से हमने क्या निकाला, बर निकाला, और हम यहाँ से बेसिकली बर निकाल के लेकर, बर में से हमने क्या क्या निकालना है, फाइनली लिंट निकालना है। तो लिंट निकालने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग करने पे आपको कितना ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है, अगर आपको ज्यादा लिंट मिल रहा है तो गिनिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ, लिंट कम मिल रहा है तो गिनिंग परसेंटेज कम हुआ। तो गिनिंग परसेंटेज हाई होना चाहिए फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉटन। कलर इंपॉर्टेंट है, अगर व्हाइट आप देखते हो कॉटन का कलर कैसा, तो व्हाइट तो व्हाइटिश है तो अच्छा वैरायटी है। ट्रैश कम निकलना चाहिए, फाइबर क्वालिटी देखा जाता है, फाइबर का लेंथ देखा जाता है, फाइबर फिटनेस देखा जाता है, फाइबर का स्ट्रेंथ देखा जाता है, सॉरी फिटनेस नहीं फाइननेस, तो फाइबर कितना फाइन है, ठीक है, फाइबर स्ट्रेंथ देखते हैं, स्पिनिंग परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है, ऑयल कॉन्टेंट देखा जाता है, ऑयल कॉन्टेंट में भी ऑयल का रेंज है 14 to 26%, ठीक है, उनके सीड में कितना ऑयल का रेंज होना चाहिए 14 to 26%। तो ये कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और अगर हम ऑयल कंटेंट में बात करें तो गॉसीपॉल, आपने नाम सुना होगा, मे बी आपने सुना ही होगा इसका नाम गॉसीपॉल, ठीक है, गॉसीपॉल एक कंपोनेंट है उनके ऑयल का, तो वो एब्सेंस होना चाहिए, कंपोनेंट नहीं कह सकते मतलब वो टॉक्सिन है, ठीक है, तो ये नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये हमने बात कर ली कि इसके गुड क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए। इनका एक और मैनेजमेंट हमने बात नहीं किया, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए तो हम इसका अलग एंटेमोलॉजी जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो बस बस इतना ध्यान रखना कि जो पेस्ट है इनमें लगते हैं, जैसे आपने सुना होगा कॉटन बॉल वर्म के बारे में, बॉल को ही खराब कर देता है, तो ये थोड़े से कुछ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट भी जो किया जाता है, मैं आपको कॉटन का जो लेक्चर है एंटोमोलॉजी में आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं इनके क्रॉपिंग पैटर्न या फिर क्रॉपिंग सिस्टम में, तो रेनफेड एरिया में हम मोनोक्रॉप लगाते हैं, मतलब सिंगल क्रॉप ही लगाते हैं, ठीक है। वेट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ओके, सो हम क्रॉपिंग सिस्टम में रेनफेड एरिया में मैंने आपको बता दिया, रेनफेड मतलब जहाँ पे बारिश होती है, इरिगेशन करने की नीड नहीं है। दूसरा इरिगेटेड एरिया में लगाते हैं, तो इरिगेटेड एरिया में हम कॉटन के साथ वीट लगा सकते हैं, ठीक है, कॉटन पल्स लगा सकते हैं, फिर मिलेट लगा सकते हैं, मतलब इन तीनों क्रॉप को रिपीट कर सकते हैं, या फिर राइस कॉटन लगा सकते हैं। राइस कॉटन पे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है राइस फैलो कॉटन, ठीक है। तो राइस फैलो कॉटन क्या है, ठीक है, इट इज द कॉटन कल्टिवेटेड इन द राइस फील्ड्स। राइस फील्ड में हम लगाते हैं कॉटन को, कब, इमिडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ राइस, जब हमने राइस को हार्वेस्ट कर लिया है उसके जस्ट बाद हम कॉटन को लगा देते हैं, ठीक है। व्हेन द फील्ड इज वैक्सी कंडीशन, व्हेन द सीजन इज ऑप्टिमम, कहने का मतलब सिंपल आप याद रखो कि राइस फैलो कॉटन क्या है, हमने राइस को कल्टिवेट किया, हटाया, हार्वेस्ट कर लिया और तुरंत उसके बाद हम कॉटन को लगा देते हैं। इसमें नो फील्ड प्रिपरेशन इज नीडेड टू सो द क्रॉप, इसमें हमें कोई भी फील्ड प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है क्योंकि हमने जस्ट उसको राइस के बाद लगाना है। इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड मिनिमम टीलेज क्रॉप, तो राइस फैलो फैलो जो कॉटन है वो उसको हम कह सकते हैं कि मिनिमम टीलेज क्रॉप है, ठीक है। सो इसका सीजन कब होता है, हम इसको कब करते हैं, बेसिकली जनवरी 15 से लेकर फरवरी 15 के बीच में इसका हम सोइंग कर देते हैं। फील्ड जो है इमिडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ राइस, मैंने आपको पहले बता दिया है, सोइंग एट वैक्सी सॉइल कंडीशन, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि चिपचिपा सा सॉइल कंडीशन है, उस टाइम पे ही हमें इसका जो सोइंग है वो कर देना चाहिए। ये आप हमने डिस्कस कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो इस टाइम पे लगा सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था LRA 5166 के बारे में, ठीक है। तो ये एक किसका था, बारबेडेंस का एक वैरायटी था, ठीक है। तो ये वैरायटी हो गई। स्पेसिंग की अगर बात करें तो 16 to 30, ठीक है, ये जो स्पेसिंग है मतलब क्रॉप स्पेसिंग इस राइस फैलो कॉटन में हम यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर मैंने आपको पहले ही बताया है 2:1:1 का रेशियो, तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो होता है 60:30:30 का रेशियो। सो गाइज, अब मुझे लगता नहीं है कि इसमें हमारे पास बहुत कुछ बच रहा है। मैंने कोशिश करा है कि आपको जो भी लेक्चर है उसमें मैंने आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करी है, मैंने हर तरीके से इमेज से आपको समझाया है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है आज का बहुत मजा आया होगा, और आप थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है, आप इसको थोड़ा सा स्पीड अप करके भी देख सकते हो। सो मैंने आपको बीच में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था लेक्चर के, तो मैं एंड पे बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप उससे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको जरूर मैं वहाँ पे आंसर करूंगा, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, दैट इज गो फॉर एग्रीकल्चर शॉर्ट्स, ठीक है। वहां पे आपको हमारे
वीडियोस की या फिर नए नए आपको शॉर्ट्स वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट कोई होता ना कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो गया, लर्निंग ट्रिक्स हो गए, हम वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में उन्हीं को वहाँ पे आपको हम दिखाने वाले हैं। सो आप हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। सो गाइज अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @GoForAgriculture। साथ साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और एट लास्ट गाइस अगर आप हमारे वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो हमारा जो लिंक है दैट इज www.goforagriculture.co.in, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो वहाँ से भी सारी चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हो, लाइक हमारे ऐप को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।